योग अनुभव इंशाल्लाह। सीरीज में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हमारे साथ है मिसेस यशी मित्तल, जो ऑनलाइन क्लासेस में करीब हमसे 9 महीने से ज्यादा से जुड़ी हुई है। जनवरी के बाद इसमें जुड़ी हुई है। इनकी सिस्टर और इनकी काफी फैमिली भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। काफी टाइम से योग कर रहे हैं, योगाभ्यास बहुत अच्छे से, और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और साथ ही साथ अपने आप को और चीजों के लिए भी प्रमोट करते हैं। तो आज इनका परिचय और इनका कैसा अनुभव रहा, तो प्लीज यशी जी स्वागत करते हैं हम आपका। तो आप थैंक अपने यू। बारे में बताएं और फिर कैसे हमसे जुड़े, ये प्लीज पहले अपने बारे में। हाँ जी, मेरा नाम यशी मित्तल है। मैं 2 बच्चों की मदर हूँ और मुझे योगा से पहले जो है काफी दिक्कतें महसूस होती थी, जैसे हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती थी, मेरे शोल्डर में पेन रहता था, बॉडी एक मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत रहती थी मुझे। तो मैं सोचती थी योगा क्यों करना, और सब ठीक है, सब चल रहा है बढ़िया और ठीक हो जाएगा अपने आप ही, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपनी सिस्टर से शेयर की अपनी प्रॉब्लम, तो उसने मुझे यही बोला कि नहीं दीदी, योगा तो बहुत ज़रूरी है और आपको करना चाहिए, एक बार आप ज्वाइन तो करो, करने की कोशिश करो, हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो मैंने ज्वाइन किया और फिर मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे अब छोड़ने का मन ही नहीं करता है। हमें लगभग 1 साल होने वाला है, जैन में हो जाएगा, और मैं बहुत खुश हूँ योगा से। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या मिल गया, एक हमें जो कहते हैं ना कि गिफ्ट अपनी बॉडी को देना चाहिए, वो मैं दे रही हूँ योगा से। हम लेते तो बहुत कुछ है अपनी बॉडी से, लेकिन दे नहीं पाते हैं, कभी भी रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है योगा से, हम अपनी बॉडी को कुछ दें। हाँ, फिजिकली मेंटली आप अपने आप में क्या क्या चेंजेस फील कर पा रहे हैं, तो बच्चों में किस तरीके से योगा आपने, चलो बिल्कुल, मतलब जैसे मेरे को काफी, हम आपकी जो सिस्टर है वो भी काफी रेगुलर रहती है, सब चीजें में है, अब थोड़ा मेटर्निटी ब्रेक पर है, लेकिन आपको क्या क्या चेंजेस फील हुए हैं खुद में, कि क्या चीज अट्रैक्ट करती है, रोज एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं मेरे को योगा क्लास में जाना। मुझे मैम ऐसा मतलब, जैसे एक तो मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। पहले मुझे होता था मोशन मैम 2 2 दिन तक भी नहीं आते थे, अब तो काफी जो है इम्प्रूवमेंट है मैम। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि मेरे बॉडी एक रहता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरे दिन जो है बहुत लाइट और एक्टिव फील करती हूँ, ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब बच्चों के पीछे भी भागना पड़े तो ये नहीं कि थकान हो रही है या टाइर्डनेस फील कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है योगा की ही वजह से है, और है भी लगता है, क्या है ही योगा की वजह से। तो किसी दिन भी मिस हो जाता है तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है, कुछ रह गया, मेरा कुछ छूट गया, करना था मुझे, तो छोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। नहीं, आप काफी रेगुलर भी हैं, रेगुलर कंसिस्टेंसी में, क्योंकि तो हम सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि भी आप किसी भी बैच में आ जाइए, कि जी, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ताकि ये आपकी बहुत अच्छा रेगुलरिटी है मैम, इसी मेंटेन वजह रहे। से मेरा कंटिन्यूअसली बन पाता है, क्योंकि आपने ऐसा कर रखा है कि हम किसी भी बैच में आ सकते हैं। वरना अगर होता कि सिर्फ मॉर्निंग में ही या सिर्फ आफ्टरनून या इवनिंग में एक ही कर सकते हैं, तो मतलब दिक्कत होती बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है आपका टाइमिंग, इसी वजह से मैं कर भी पा रही हूँ रेगुलर। हाँ, वो ये कि आपकी भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हाँ हैं, जी, बच्चों के साथ फैमिली है, सभी चीजें हैं, यस। इसीलिए। अच्छा, और एक चीज कि आप जैसा योगों को रिकमेंड, या ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आपको कैसा मतलब लगा? आप तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं हमारे साथ, ऑनलाइन हाँ क्लास, जी, तो हाँ आपको जी कुछ कैसा लगा? और कोई क्लास आपने ज्वाइन की हो पहले कभी, तो उसमें कोई जी 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 डिफरेंस, उसमें कुछ पॉजिटिविटी या कुछ, कोई आपके सजेशन हो तो आप बताइए। नहीं मैम, मुझे ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सोचता है इंसान कि हमने अब सब सीख लिया है, इतना टाइम हो गया हमें करते हुए और सब पता है कि कैसे क्या होता है, तो हम खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं ना, तो उससे एक मैम रेगुलरिटी बन जाती है कि नहीं हमें आना है, मैम वेट कर रही होंगी, सबके संग करना है। और अगर खुद से करते हैं तो याद है, चलो यार पहले ये काम निपटा लेते हैं और ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे, तो उस हिसाब से वो छूट ही जाता है मैम, नहीं हो पाता है वो, चाहे हमें कितना भी आता हो। लेकिन एक आपके टच में रहने से और ऑनलाइन योगा ज्वाइन करने से ये बहुत अच्छी बात है कि 100% हो पाता है, चाहे किसी भी टाइम करो, रेगुलर बन पाता है। तो आप भी और रिकमेंड भी करते हैं जिससे लोग को प्रॉब्लम हो, तो मतलब आप रिकमेंड करना चाहेंगे लोगों को ना बिल्कुल बिल्कुल अपनी मैम, मैं तो जगह। कहूंगी कि सबको करना चाहिए, और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सबकी होनी चाहिए कि योगा तो बहुत सबसे बेस्ट है और करना ही चाहिए। उसके बिना तो आई थिंक अभी नहीं पता चल रही है प्रॉब्लम्स, लेकिन लॉन्ग रन में हेल्थ प्रॉब्लम्स जरूर होंगी ही होंगी। अब तो मैम जैसे मैं 30+ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 तक तो चलो इंसान का चल जाता है जैसे होता है, लेकिन उसके बाद तो जो है जरूर करना चाहिए हर एक को, अपनी बॉडी क्योंकि के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए अपनी आजकल का बॉडी को, खाना पीना, पॉल्यूटेड एयर, बहुत सारा ज्यादा। हाँ इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं।
उसके कारण। हाँ, बिल्कुल आपकी बात ये कि ऑनलाइन में आपको कैसा लगता है? ठीक लगता है, आप इंजॉय करते हैं क्लास, हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल कन्वीनियंस होती है, क्या अच्छा लगता है उसके अंदर? नहीं मैम, आप तो बहुत ज्यादा मैम कॉशियस रहती है, जरा भी मेरी कोई मिस्टेक होती है एकदम आप बता देते हो। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कुछ, तो आप देख लेते हो एकदम, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई कमी नहीं लगती ऑनलाइन में। और मैं तो यही कहूंगी कि मैं हमेशा ही करूंगी लाइफ लॉन्ग कभी नहीं छोड़ने का मन है बहुत बढ़िया। मेरा और कुछ आप शेयर करना चाहें अपने बारे में, अपने उस हिसाब से योगा के बारे में, या और लोगों को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं उस बारे में कुछ सजेशन हो, कि आपसे छोटे, आपसे बड़े, आपसे बराबर के, अपनी क्लास में सभी लोग होते हैं, मतलब 9 जी से जी लेके 90 साल तक के लोग होते हैं, तो हाँ उनके जी लिए और जो जो नहीं कर रहे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत से होते हैं कि जिन्होंने कभी नहीं किया है, तो वो सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करें, हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन मैं कहूंगी उन लोगों को कि ये आपकी सिर्फ सोच है, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको धीरे 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 खुद ही लगेगा कि हमें चेंजेस आ रहे हैं और हम कर सकते हैं। योगा में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आपको लगेगा कि आप इजिली उसे कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि चाहे आपको अभी कोई दिक्कत महसूस हो रही हो नहीं हो रही हो, लेकिन आप अगर चाहते हो कि लाइफ लॉन्ग आपको कोई दिक्कत नहीं हो, हेल्थ इश्यूज ना हो, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, तो आप प्लीज जरूर ज्वाइन करें और मोनिका मैम के संग करें। इससे बेस्ट टीचर आपसे कहीं नहीं मिल सकती। इससे पहले भी मैम मैंने बिल्कुल किया है योगा, लेकिन आपके टच में आके सीरियसली मुझे, सच बता रही हूँ मैम, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से सब जा रहा है, कभी कुछ हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ से रिलेटेड भी। पहले तो लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ ये दिक्कत ना हो जाए, कहीं भी जरा सा भी पेन होता था तो मैम डर सा लगता था बॉडी में कि क्या हो गया, क्यों हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन अब लगता है कि नहीं यार, जब हम इतना कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए तो ऐसा तो नहीं होगा कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी तो चलती रहती है, तो मतलब एक एश्योरेंस रहता है कि हाँ हम ठीक हैं और मेडिटेशन अब। सेशन भी आप काफी एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा जी कई बार घर व्यस्त के कारण, बच्चों के कारण होता था, हाँ जी हाँ तो जी लेकिन मेरे को लगता है कि आपको देखकर एनर्जी के वाइज आप में भी काफी, मतलब एंजॉय कर पाते हैं आप, अच्छा लगता है आपको बिल्कुल मेडिटेशन सेशन, बिल्कुल ये बिल्कुल फीडबैक, उसको अच्छा लगता है, आप कर पाते हैं, एंजॉय करते नहीं हैं। मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैम एकदम शांति, मतलब बॉडी में बहुत पीसफुल मैम एंजॉय करते हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के और अपने में विलीन होगा एक तरीके से, कहते हैं ना, तो जो भी दिस इज टेंशन लाइक होती मी है उससे टाइम, रिलीफ मिलता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मी टाइम है कि बहुत ये रिलैक्स सीखने फील का ही होता है टाइम है। योगा करने के हाँ बाद। जी बहुत रिलैक्स फील होता है, नहीं, मैं तो मैं बहुत देखती अच्छा रहती हूँ, लगता कई बार आप बच्चों के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी आप थोड़ा है मैम। सा जिस दिन मैनेज छुट्टी होती है करते उस दिन हैं बच्चे तो आ जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैम इवनिंग सेशन तो मैं करूँ ही नहीं, मॉर्निंग में करूँ, जब वो स्कूल चले जाते हैं तो मॉर्निंग का ही अटेंड करूँ, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता तो करना पड़ता है इवनिंग नहीं का। नहीं अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा लगता है, आप भी रेगुलर रहिए और हम भी यही चाहते हैं, जी स्वस्थ रहें, प्रसन्न बिल्कुल रहें, मैम आनंद रहें। बिल्कुल, थैंक यू थैंक सो मच, यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम।